हाय गाइस, मैं हूं अजय कंबोज और आज हम बात करेंगे कि क्या हमें अपनी फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग कंपनी के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, फार्मा डिस्ट्रीब्यूशन के लिए या रिटेल के लिए FSSAI लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन की जरूरत पड़ती है या नहीं पड़ती है, उसी के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। अगर हम प्रैक्टिकल देखा जाए तो जितनी भी एक फार्मास्यूटिकल कंपनी की जो प्रोडक्ट लिस्ट होती है उनमें से 20% 30% या 40% प्रोडक्ट कम से कम एज ए फूड होते हैं, चाहे वो फूड सप्लीमेंट के तौर पे हो, डाइटरी फूड के हिसाब से हो, तो किसी भी तरह के होते हैं वो एज ए फूड ही आते हैं। तो अगर आपकी भी, चाहे आप डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो, चाहे आप रिटेल कर रहे हो, चाहे आप मार्केटिंग कर रहे हो, अगर आपकी लिस्ट में कोई ना कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो एज ए फूड सप्लीमेंट आ रहा है, डाइटरी फूड आ रहा है, जो किसी भी रूप में एज ए फूड की कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया हो, अगर वो उसमें आप डील करते हैं तो वहां पे आपको FSSAI लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन की जरूरत पड़ती है। लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन बेसिकली आपके टर्नओवर पर डिपेंड करता है। अगर आपका 12 लाख से एनुअल टर्नओवर कम है तो आपका रजिस्ट्रेशन में भी काम चल जाता है, अगर उससे ज्यादा है तो फिर आपका लाइसेंस में काम चलेगा, फिर आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, चाहे वो स्टेट लाइसेंस है चाहे सेंट्रल लाइसेंस है। तो अगर आपकी लिस्ट में या आपके प्रोडक्ट में कोई भी प्रोडक्ट ऐसा है जो फूड्स की कैटेगरी में आता है, चाहे वो फूड सप्लीमेंट हो, डाइटरी सप्लीमेंट हो, या फूड फॉर स्पेशल यूज हो, या किसी पर्टिकुलर डिजीज के लिए कोई स्पेशल फूड रिकमेंड किया गया हो, अगर वो फूड की कैटेगरी में आ रहा है तो आपको FSSAI लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन की जरूरत पड़ेगी। और किसी भी फूड प्रोडक्ट को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि क्यों, जितने भी फूड प्रोडक्ट होते हैं उन पे आपको लोगो मिलेगा ही मिलेगा फूड का, चाहे वो वेज लोगो हो चाहे वो नॉन वेज लोगो हो, दोनों में से कोई ना कोई लोगो उस पे मिलेगा। तो उससे आप अनुमान लगा सकते हो कि आपके पास फूड की आइटम आ रही है या नहीं आ रही है। इसके अलावा जो जितने भी ज्यादातर फूड सप्लीमेंट होते हैं वो GST की 18% की कैटेगरी में आते हैं या 28% की कैटेगरी में आते हैं, और जितनी फार्मास्यूटिकल आइटम्स है वो मोस्टली 5% या 12% की कैटेगरी में ही आती है। तो वहां से भी थोड़ा डिफ्रेंशिएट करने का मौका मिल जाता है, वहां से भी आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो कि आपके पास कोई फूड का प्रोडक्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर वैसा कोई प्रोडक्ट आपका आ रहा है तो आपको FSSAI लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन की जरूरत पड़ सकती है। उम्मीद करेंगे ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।